करा दो। क्या तुम तीनों एक साथ कैसे? सर मेरा ट्यूशन में लेट हो गया है इसलिए मैं लेट से आई। ओ, लेकिन मुझे तुम तीनों को देख के एक मस्त एग्जांपल याद आ रहा है। क्या सर, एक नादान लड़के के सामने एक हैंडसम बॉय ना? मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा, मेरा इंट्रोडक्शन ना, एक खूबसूरत फूल के सामने भिंगराती दो मधुमक्खी और सामने वही मधु खाने वाला एक मोटा। ओए, ये किसने कहा? ओए, किसने कहा रे? ओए, सामने जा नहीं तो मार खा जाएगा। हाँ ठीक है। अब बेटा तुम ना स्कूल में आने से पहले कुछ बात याद रखना, दरअसल यहाँ पे कुछ लफंगे लड़के भी रहते हैं। सर खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। चुप सर। और बेटी तुमने अपना नाम क्या बताया? अपर्णा। अरे उनका नाम है लेलिया। अरे एमसी गोलू। तुम लोगों से किसने पूछा? हाँ बेटी, सो टेल मी समथिंग अबाउट योर ड्रीम। भाई सर ने क्या बोला, इसका मतलब क्या? तुमने कल रात कौन सा सपना देखा? लड़के के सपना जान के क्या करेगा, छोड़ना मेरा क्या? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। खरोच सुई लगाने वाली। भाई इतना पढ़ाई लिखाई करके इसको 10-15 हजार का घिसा पिटा सरकारी नौकरी करना है। आपको तो पता ही है उनका मंथली 1-1.5 लाख का पैकेज रहता है। सर आपने तो कभी हमारे सपने के बारे में नहीं पूछा। तो तुम दोनों का भी सपना है। ठीक है तो बताओ मुझे तुम दोनों बड़े होके क्या बनना चाहते हो? इसका पति 1.5 लाख कमाता है भाई, तू क्या बनना चाहता है? मैं लड़की और पैसों के पीछे कभी नहीं भागता, मैं सपने के पीछे भागता हूँ। तुझे क्लास के वो सपना ही पसंद आया? ड्रीम सपना, एंड सपना तभी आता है जब मैं सोता हूँ, इसलिए मैं पूरा दिन सोया रहता हूँ। गोलू वाह क्या बातें हो रही हैं, क्यों ना जरा मैं तुम्हारा कन्यादान कर दूँ। मजाक कर रहे थे। मुझे एक चाय का दुकान खोलना है, 10th फ्लोर चाय वाला। और तुम्हें? मुझे वही चाय का दुकान बंद करना है, लेकिन भाई चाय के दुकान में मैं ही चाय बनाऊंगा। हाँ, ये बात तुम लोगों से जरूर सीखनी चाहिए। दोस्ती पे गोलू ने अपने ऊपर सारा काम ले लिया। नहीं सर, इसको प्रधानमंत्री बनना है। यार ये किन लोगों को भेज दिया। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। आप बेटी तुमने क्या एप्पल का नाम सुना है? हाँ सर। भाई बताएंगे एप्पल का सीईओ कौन है? सीईओ हाँ, एप्पल का सीईओ है बाबर। एप्पल का पहला वर्ड बताओ। सर ए। तुम पास हो गई। भाई ये तो बहुत इजी एग्जाम है, हर साल यही क्यों नहीं करवाते? सर पूछो इसी रिलेटेड पूछना। हाँ ठीक है इसी से रिलेटेड पूछूंगा। एप्पल गिरा ना न्यूटन के ऊपर, न्यूटन का थर्ड लॉ बताओ। भाई मुझे आता है, मैंने तो पढ़ा था। हाँ, भाई न्यूटन कौन है? न्यूटन? अरे न्यूटन तो हमारे मोहल्ले के दूध वाला का नाम है। अरे भाई वो किताब में आ गया, वो तो स्कूल भी कभी नहीं गया, हमने इतना पढ़ा हम किताब में आए ही नहीं। क्या कहा, तुम लोग भी किताब में आना चाहते हो? हाँ, सर। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ पेपर में तुम लोग जरूर आ सकते हो। सच्ची में सर? स्कूल के 2 छात्र हुए फेल और बने अपराधी। सर आपने शायद पूरा हेडलाइन नहीं सुना, स्कूल के 2 छात्र हुए फेल, अपने खरुस टीचर को दिया पेल और उन्हें हुई 4 साल का जेल। क्या भाई क्या क्या बातें कर रहे हो? शांत हो जाओ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। सर आपने आइडिया बहुत अच्छा दिया है। अरे बेटा तुम लोग पास हो, तुम्हें किसने बुलाया? बेटा तुम जाओ, आराम से जाओ। ये तो आता ही नहीं, ये भी नहीं आता है, ये तो आएगा ही नहीं। अरे ये क्वेश्चन तो अगर मैं पूरे खानदान लेके बैठू डेस्क पे फिर भी नहीं आएगा। देखता हूँ बड़ा कोई क्वेश्चन अगर मिल जाए। ये कौन सी भाषा में लिखा है? ड्रॉ पिक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसके लिए 10 नंबर। ये तो बहुत इजी है, पर इसका मतलब क्या है? साइड वाली लड़की से पूछ लेता हूँ। है सोने कोड़ी, लड़की ने थप्पड़ क्यों मारी? मुझे पहले स्टैंड भाई की बात याद रखना चाहिए थे। ये लड़की लोग दिन प्यार फिर दूसरे दिन हेट, मुझे अपने दोस्त के पास ही जाना चाहिए। यश यश ओ यश उठ। क्या हुआ भाई? 10 नंबर देख, 10 नंबर का क्वेश्चन। सोने भी नहीं देता। 10 नंबर, ड्रॉ पिक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए 10 नंबर, ये तो बहुत इजी है। हाँ तो बता ना, पर इसका मतलब क्या है? रुक, मेरे सामने वाले टॉपर रुक, उससे पूछता हूँ। उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे भाई तुझे भी मारा क्या? तुझे भी? अरे ये पीछे तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो? खुसर फुसर नहीं, बात कर रहे थे। पता है ना एग्जाम हॉल में बात करना मना है। मैम शांत हो जाओ, एग्जाम में बात करना मना है। तुम दोनों का एग्जाम पेपर छीन लो। हाँ मैम छीन लो, तो इससे एक बहाना मिल जाए कि मैम ने एग्जाम पेपर छीन लिया, नहीं तो एग्जाम अच्छा जाता। रुको मैं प्रिंसिपल को बुलाती हूँ। अरे मैम वैसे ही बोल रहा था। तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? अरे मैम एक क्वेश्चन का मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। तो मुझे पूछ लो। अरे भाई पूछू? अरे पूछ ले मैम, मैम थोड़ी मारेगी। मैम मेल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? भाई मैम ने भी बिठा दिया एक हाथ। भाई तुझे सुसु लगी है क्या? ये क्या कर रहा है? अरे मैं नहीं कर रहा भाई, ओकेश है ना? हाँ भाई क्या हुआ? मेल रिप्रोडक्शन का मतलब है ये। भाई वो टॉयलेट साइन क्यों दिखा रहा है? अरे भाई मेल रिप्रोडक्शन का मतलब है टॉयलेट, इतना हाइपर रियलिस्टिक तो मैं नहीं बना सकता हूँ। चलो मनोहर भैया का संडासी बना देता हूँ, स्टेप मास्क तो मिल जाएंगे। अबे सुसु तुम जिससे करते हो वो है मेल रिप्रोडक्शन। ओ नुन्नू, क्या मेल रिप्रोडक्शन का मतलब है नुन्नू? मैम मैं आई गो टू टॉयलेट। ए एक थप्पड़ पड़ेगा, अपनी जगह बैठो, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं होगी। अरे मैम चीटिंग नहीं करने जा रहा, टॉयलेट करने जा रहा हूँ, बहुत जोर से लगे नहीं तो यहीं कर दूंगा। हाँ कर दो यहीं। क्या मैम आप बोलो, पहले तो सिर्फ एक दरिया था, अगर आप अभी रोको तो क्लास पूरा बाहर में डूब जाएगा।
मैं प्रिंसिपल को बुला के लाती हूँ। मैंने सुना है चीटिंग करने के लिए तुम लोग टॉयलेट में जा रहे हो। अरे अरे नहीं सर, टॉयलेट करने जा रहे थे, टॉयलेट। एक बात ध्यान से सुन लो, अपना चीटिंग मटेरियल अपने डेस्क पे रख दो। अरे सर लड़के आए, थोड़ी सी तो शर्म करो। अच्छा शर्म आ रही है तुम लोग को, अभी तो और शर्म आएगा जब तुम्हारे हम पूरे फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे बुला के ये दिखाएंगे। भाई सर नशे वशे करके आया क्या? चलो ठीक है, मैं तुम लोग को एक आखिरी चांस, पांच गिनने से पहले अपने सारी चीटिंग मटेरियल्स डेस्क पे रख दो, नहीं तो खुद हाथ से पकड़ेंगे और इस कैची से खच 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 खच। ओ ना!